ये जो उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, डू चेक दिस आउट, ईटी बेल्स, मैन ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत लोग ये बुक पढ़ पढ़ के मैथमेटिशियन बने, बहुत अच्छी बुक। सो आई रिमेम्बर क्लियरली कि 2019 का ही साल था, एंड दिस वॉज द स्टोर रूम जहाँ पे मैं हमेशा बैठा करता था। 8-8 घंटे, 9-9, पूरा पूरा दिन मैं यहाँ पे निकाल देता था, 20-22 घंटे, बस ऐसे आँख बंद रहते थे मेरे। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि बस सुबह ना हो, बस सुबह ना हो। जैसा कोलकाता में मैं रहता था, देवघर आके, ये होम टाउन है मेरा, दिस इज माई स्टोर रूम, था कि बस सुबह ना हो, सुबह ना हो। आपको डिप्रेशन है तो आप, यू वुडंट वॉन्ट कि कभी उजाला हो, कभी सूरज उगे, यू डोंट वॉन्ट दैट। मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। मैं 8th में 40 मार्क्स लाता था मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100, बट देन 9th के पहले टर्म में मुझे 90 out of 90 आया था मैथमेटिक्स में। दो फ्रेंड था मेरे, तो एक जो फ्रेंड था मेरा, वो मुझे आके घर में पढ़ाता था मैथमेटिक्स, यहीं पे चटाई बिछा के वो मुझे पढ़ाता था। जस्ट इसलिए पढ़ाता था क्योंकि अगला साल हम लोग जाने वाले हैं 9th में, अगर मैंने क्वालिफाई नहीं किया, अच्छा मार्क्स मुझे नहीं आया, तो मैं कैसे जाऊंगा और कैसे फिर हम लोग शरारते करेंगे। तो इसलिए हम लोग पढ़ते थे कि अगले साल जाके फिर से शरारते कर सके, बैक बेंचर्स। ऐसे की पढ़ाई कर लो, तो मैंने मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। 2 to the power 3 8 होता है, मैं 6 बोलता था और सारे लोग क्लास में हंस रहे हैं, 2 to the power 3 6 होता है। एंड आई वाज द वन की यार सब हंस रहे हैं ठीक है, पर तुम यार, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो, बेस्ट फ्रेंड्स मेरे क्यों हंस रहे हो। दिल पे मुझे लग गया, मैंने लोगों के नहीं मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, चल थोड़ा मोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा कि लोग बेइज्जती ना करें। मजाक मजाक में इतना मैथ्स पढ़ दिया कि टीचर ही हैरान परेशान रहते थे मुझसे। आई स्टिल रिमेम्बर विविडली कि जब मुझे 90 out of 90 आया था सेंट जेवियर्स में, तो हमारे जो क्लास टीचर थे सांडिल्य सर, ही वाज कंप्लीटली शॉक। हमारा 32 नंबर, यू गॉट 42 एंड द टॉपर इज शिवम कुमार, एंड आई डिडंट केयर एट ऑल। मुझे मार्क्स से कोई मतलब नहीं था, मैं मैथमेटिक्स मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता था। तब तक मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो चुका था कि ऑल आई थॉट वाज मैथमेटिक्स। दिन भर रात, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कब। दैट वाज माय पैशन। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे नाना जी हु लव्ड मी द मोस्ट, सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते थे, और अभी उनकी कमी खलती है मुझे सबसे ज्यादा। काश तभी मेरे पास ब्रेन ना हो के हार्ट होता, मतलब शख्स की कमी खलती है, नाना जी थे, क्योंकि ही लव्ड मी द मोस्ट, और उतना ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता है। तो कर्मस्थान पे, शमशान घाट पे भी आई रिमेम्बर सॉल्विंग मैथमेटिक्स, 2-4 क्वेश्चन लेके गया था, एक पेपर और पेन लेके गया था। आई टेल यू लेटर कि व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। तो द इक्वेशन इज क्लियर कि मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स इंटरेस्ट है, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 10th करने के बाद मुझे 10 out of 10 point आया था, देवघर से बाहर चला गया क्योंकि देवघर में मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं था जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ सकूँ, अनलाइक अदर्स जिनको मैं आज पढ़ाने जाता हूँ, जिनके पास अपना अपना कमरा होता है। एंड दे आर लाइक सर बड़ा जिंदगी में कष्ट है, बहुत बड़ा जिंदगी में प्रॉब्लम है। और मैं सोचता हूँ कि मुझे अगर एक कमरा मिल जाता तो मैं पूरे जिंदगी में, इवन टुडे आई डोंट हैव, अगर कहीं मिल जाता और इन लोगों को कम, वो लोग आराम से बैठ सकते, मैं ऐसा कमरा ढूंढता हूँ जहाँ पे बस मैं ऐसे बैठूं, ऐसे कर घंटों और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मतलब 2-4 घंटे और कोई मुझे कुछ बोले ना, ऐसा मैं ढूंढता हूँ। एंड इट हैजंट हैपेंड, कमरे होते नहीं थे यहाँ पे देवघर में, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा होते थे। तो आई डिसाइडेड कि हम लोग रांची चले जाएंगे, घर में बिजली होती नहीं थी या तो स्पेस ऐसा होता ही नहीं था जहाँ पे बैठ 10-12 घंटे स्ट्रेच में पढ़ाई कर सकूं। मैं सीधा मंदिर चले जाता था, रात भर मंदिर में ही पढ़ता था, बाबा धाम, फेमस ज्योतिर्लिंग टेम्पल, तो यहाँ पे ही मैं पढ़ाई करता था। रात सुबह को आके चुपचाप सो जाता था, किसी को कुछ पता चलता था। वहाँ पे जाके मैंने 11th 12th किया, बहुत अच्छे से गुजरे मेरे। आई स्टडीड हायर मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन, 2 साल मैंने बस इंटीग्रेशन की। जब मुझे वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में पता चला कि ही इज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड इन रीसेंट टाइम्स, तो उनसे मिलने भी मैं गया था। क्यूरियोसिटी वाज ड्राइविंग मी क्रेजी, मतलब लोगों को था कि वर्ल्डली अफेयर्स में हाउ वुड आई परफॉर्म, कैसे मैं अर्न करूंगा, फाइनेंशियली कैसे सिक्योर होऊंगा, मुझे कुछ ये सब पता ही नहीं चलता था। क्यूरियोसिटी वाज अल्टीमेट फॉर मी कि ये कैसे काम करती है, वो कैसे काम करती है। एंड यू वुड थिंक कि ये सब जान के क्या फायदा, कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीते ही है क्वेश्चंस के लिए, क्वेस्ट के लिए जीते ही है वो इसलिए बस, और उनसे कोई मतलब दुनिया। दैट वाज द काइंड ऑफ गाय, प्रेसिडेंसी जाना था, प्रेसिडेंसी गया, पढ़ाई की, देन ऑल ऑफ अ सडन मेरे जिंदगी में ट्विस्ट आता है कि आई सी विजन्स। आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि क्या था वो, कैसे होता था, बट आई सॉ विजन्स एंड दे टॉट मी इमेंसली। मतलब आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वन की जो 18-19 साल में आई एम दैट चार्ट गया होगा, ये नाम भी नहीं सुना है। मैंने जब बुक खरीदा था तो बस एक लाइन यहाँ पे पढ़ा था, द रियल डज नॉट डाई, द अनरियल नेवर लिव्ड, मतलब एक लाइन बस पढ़ता था। एंड देन आई यूज टू कीप इट अवे और बस ऐसे ही रहता था, और मैन आई वॉज इमर्स्ड इन द क्वेस्ट। मुझे हमेशा लगता था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में शायद मैं समझ जाऊँ कि दुनिया कैसे काम करती है, चीजें कैसे काम करती है, ब्रह्मांड कैसे आया वगैरह। मैं रातों को उठ उठ के रोता था, मतलब वैसे नहीं रोता था, आंसू मेरे निकल जाते थे कि ऐसा दिन आएगा जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, जब मैं मर जाऊंगा, और मैं मरते वक्त भी मुझे ये गुत्थी जो है सुलझती हुई नहीं मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अनआंसर्ड रह जाएंगे। मुझे डर लगता था कि यार जल्दी 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 जितना मुझे पास समय है, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई एम गोना लिव, उससे पहले मुझे सब कुछ ये सब सॉल्व करना है। आफ्टर टर्न्स ऑफ विजन्स आई रियलाइज कि फिजिक्स और मैथ्स में वो बात नहीं है जो आपको वहां तक पहुंचा दे जहां मैं जाना चाहता हूं। आई वुडंट टेल यू
कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा समर डे। जो मेरा गोल था वो उसके बस का बात नहीं है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बस का बात नहीं है। देन आई थॉट कि क्या ही करूँ अब, मतलब क्या ही कर सकता। मुझे ये बात पता थी जिन प्रोफेसर को मैं देखने के लिए मरता था। मैथमेटिक्स का हाईएस्ट प्राइस होता है फील्ड्स मेडल। फील्ड्स मेडल एक प्रोफेसर को मिला था, वो प्रेसिडेंसी आए थे टॉक देने के लिए। अब सब कोई उसको मरे मरे गया था देखने के लिए, मैं भी गया था। लेकिन अब मुझे फिजिक्स से ही उतना ही चिड़ मिसता था और मैथ से भी उतना ही चिड़ मिसता था। 8 साल का फिजिक्स, 8 साल का मैथमेटिक्स, एंड नाउ इट्स ऑल एम्प्टी। अब मुझे कुछ करने में मजा नहीं आता। पर मैं लोगों को बताऊं कैसे, मतलब मैं तो दुनिया मुझे अजीब लगती थी कि अब करना ही तो करना क्या है। पर मैंने सोचा कि नहीं देखो, यही बस मुझे स्किल आता है और तो कुछ आता नहीं है, तो इसके बेसिस पे मैं सर्वाइव करूंगा दुनिया। पीएचडी या जो भी पोस्ट डॉक जो भी होता है इसी से करूंगा। क्वांटम फाउंडेशन, स्ट्रिंग थ्योरी, कॉस्मोलॉजी, ये तीनों में मुझे इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा यही करेंगे। ठीक है, मुझे बहुत चीज पता चल चुकी है फिजिक्स के बारे में, लेकिन ठीक है, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग आफ्टर ऑल। वो कमाल की होती, मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते थे कि यहाँ के दीवाल में अगर हम लोग धक्का देंगे तो 1 किलोमीटर दूर के दीवाल में कैसे यहाँ से घुस के वहां से निकले, मतलब क्वांटम टनलिंग कहते हैं उसे। फिजिक्स और समथिंग एल्स, मतलब उसका जो अगर नशा चढ़ गया आपको तो इट्स मच मोर देन ड्रग्स। मुझे चढ़ चुका था लेकिन बस 1-2 दिन में उतर गया, बस कुछ विजन्स के कारण। अब मैं दुनिया को कैसे बताऊं कि अब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है फिजिक्स मैथ्स में। मैं क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशन का चल रहा था टॉपिक एंड मैं यहाँ पे स्तुति पढ़ता था एकदम बैक बेंच में पीछे कोने में। पर अब मैं क्या ही बताऊं, मैं आपको भी नहीं बता सकता किसी और दिन। ऑल आई कैन टेल यू इज कि आई फाउंड अ न्यू वे। ये जो रास्ता मैंने ढूंढा है ये आपको अल्टीमेट तक लेके जाएगा। मेरे पास बहुत मेथड्स भी था और मैं करता भी था। अभी जैसे कि 2024 लग रही है, तो मैं अगर 2018-19 वाला शिवम को मिल दूं मैं बोलूंगा कि ये देखो बहुत स्पिरिचुअली एडवांस, वो अलग ही लड़का था। मतलब समथिंग एल्स कंप्लीट लेगा, उस तरह का तो मैंने देखा ही नहीं। 20 साल वाला शिवन जो था वो तो देखा ही नहीं मैंने। ऐसा नॉट श्योर कि आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, वो एक अलग कैरेक्टर था, आपने उसको देखा नहीं है, मैंने देखा है। तो अपना ग्रेजुएशन जब हो गया, ये सब कुछ हो गया, मैंने सब जगह अप्लाई करना स्टार्ट किया। पेरिमीटर इंस्टीट्यूट कनाडा में है, वो मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट था। आपके रिलेटिव जो होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा आपको सत्यानाश आपका करता। अच्छा तो आपके चाहते हैं लेकिन अनइंटेंशनली वो कुछ ऐसा ऐसा सब आप बोलेंगे जिससे आप इतने टेंस इतने डिप्रेस्ड हो जाओगे, फिर वहां से निकलना मुश्किल। क्या करोगे जिंदगी में, क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे चलाओगे, मम्मी को कैसे देखोगे, पापा को कैसे देखोगे, इतना पैसा कैसे कमाओगे। अब मैं कैसे समझाऊं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ यार, कैसे समझाऊं मैं, आई कैनॉट एक्सप्लेन। मैं चुपचाप इधर से बैठा रहता था, ग्रेजुएशन मेरा हो चुका था और मैं जितने इंस्टीट्यूट में मैंने अप्लाई किया था सब जगह मैं फेल हुआ था। सब जगह पेरिमीटर इंस्टीट्यूट में फेल, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, हरिश्चंद्र इंस्टीट्यूट, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज कोलकाता। आखिर मतलब कि मैंने सोचा था यहाँ ये भी मुझे नहीं नसीब हुआ। फेल होने का डिप्रेशन था ही, उसके लिए सुसाइडल तो था ही, स्पिरिचुअली मेरा काम नहीं बन रहा था, उससे मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में था। आई वुडंट टेल यू व्हाई, एक लाइन देता हूँ कि आई वांटेड टू नो हु आई एम, पर मुझे नहीं पता चलता था, तो उस समय मैंने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा। अब वो होता नहीं था तो मैं डिप्रेस रहता था, देवदा मेरी वापसी हो चुकी थी। अब मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मैं अगर पेन मुझे होता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, खुशी तो बहुत ही ज्यादा, छोटा मोटे में कुछ नहीं होता है। मैं यही रूम में बैठा रहता था, 2019 का ही टाइम होगा, 5-6 महीने घर में आए मुझे हो चुकी थी, तो मैं बैठा रहता था, सोचता रहता क्या करना है क्या करना। वैसे तो मुझे 5 रुपए भी कमाने नहीं आते, और मैथ फिजिक्स जानता हूँ और तो कुछ जानता नहीं, और जो चीज जानता हूँ उसको उसके लिए कोई पैसे देता नहीं है या ना ही मुझे लेना है। वो तो कोई जानता ही नहीं कि कोई चीज भी होता है दुनिया में, ये तो चिड़िया का नाम है, एक तो गली भी है, ये कोई तो कुछ जानता ही नहीं है। सब ने उसी में अपना पीएचडी किया है। इफ आई लुक बैक की जिंदगी में मैंने आज तक क्या किया, तो इट वुडंट बी फिजिक्स, इट वुडंट बी मैथमेटिक्स, इट वुडंट बी व्लॉग्स, वुडंट बी एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। मैं बस जानता हूं कि मैंने क्या किया, एंड दैट वुड बी माय बिगेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट, बस वही एक चीज, और कुछ नहीं मैटर करती। यहाँ पे मैं बैठा हुआ सोच सोच के क्या करना है अब जिंदगी में, कुछ तो करना है ना, मतलब ऐसे तो बैठे हुए तो रह नहीं सकते हो, तो ऐसे लेटे हुए आपके आंखों से आंसू बस बह रहे हैं। लोगों को बताओ तो लोगों को क्या होता नहीं, आसपास में आपकी अगर प्रॉब्लम कोई डिप्रेशन जैसे कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता है ना, तो लोगों को लगता है कि अरे वह दुखी है, दे आर जस्ट क्लूलेस, और उनके पास इतना जल्दी जल्दी सॉल्यूशन रहता है, ऐसे करते हो सुबह सुबह उठो दौड़ो ये करो। इसीलिए मैं तंग आया था बड़े लोगों से कि उनके पास सॉल्यूशन बड़ा जल्दी हो, तुरंत बता देंगे क्या गलती है तुमको और तुमको क्या करना। इतना ज्ञानी है लोग हैं, मतलब सोसाइटी में इतना ज्यादा ज्ञानी लोग हैं कि तुरंत बता देंगे तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबको ऐसा लगता है कि इसका प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, क्या है डिप्रेशन सब, तो काहे दुखी बाबू काहे दुखी। तो इसीलिए मैं किसी से बात करता नहीं, बस दीदी थी मेरी, उससे जो थोड़ा मोटा एक्सप्लेन होता था बस वही मेरा साथ देती है तभी भी अभी भी। तो मैंने सोचा कि देखो मुझे काम तो जो मैंने छोड़ा है, जो मैं कोलकाता से करते आ रहा हूं, मुझे करना वही का अंदर जो काम कर रहा है जिसके लिए मुझे कमरे में बंद होके बस बैठना पड़ता है और कुछ नहीं, बस आंख बंद करके बैठना होता है, बस उसी से मेरा काम होता है। लेकिन वो दुनिया करने नहीं देगी ना मुझे, तो मुझे करना है क्या है कि मुझे सबसे पहले फिजिक्स छोड़ देना। अगर तुम उसको पकड़ के रहे 9 साल का दुख तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ, तुम और यूनिवर्सिटी या इधर उधर पढ़ाई लिखाई सबसे बड़े छोड़ो, सीधा फाइनेंस पे बात कर, थोड़े थोड़े पैसे कमाने स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होगा कि लोग मुझे कम गालियां देंगे। ये जब आया था ना ये कम अज कम 300 गाली सुनी थी, मैं कोई सारे बुक पढ़ के रिटर्न कर देता हूँ,
फ्लिपकार्ट से मैं बुक मंगाता था, यहाँ पे मैंने 6-7 महीने यहाँ पे बैठ के 200 बुक्स पढ़ी है, 200-250-300 बुक्स पढ़ी है, पीडीएफ हटा के बोल रहा हूँ, फिजिकली में खरीद खरीद। तभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे क्या होता था कि आप बुक मंगाओ, 10 दिन का रिटर्न पॉलिसी होता था और आप पढ़ के रिटर्न कर सकते हो। कोई करता था कि नहीं करता था मुझे पता नहीं, पता मैं करता था। 6 किताब मंगाता था, सब एक साथ खुल के सेल्फ हेल्प बुक्स अब देते हैं, वो स्पिरिचुअली बुक्स कोई भी नहीं होता, मैं स्पिरिचुअल बुक्स कभी नहीं पढ़ता, एक ही बुक मेरे पास है, एक दो बुक। ये भी गलती से इसलिए आ गई क्योंकि उस दिन 600-700 गाली दे, मैं रिटर्न करना इसको भूल गया। 6-7 महीने मैंने बस बुक्स पढ़ी, सीखा कि कैसे क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से सीखा, सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे अच्छे से सीखा, सबसे ज्यादा समय उस पर दिया क्योंकि मुझे लगता था वो अगर मैं अच्छे से सीख गया तो बहुत मेरा काम बन सकता है। वो 2019 था, साइडल मैंने थॉट सब हटाया, फिजिक्स को जिंदगी से हटाया, जितने सारे मेरे फिजिक्स बुक्स थे सब मैंने साइड कर दी। यहाँ पे आपको बैचलर्स के बहुत कम ही बुक दिखेंगे, सारे नीचे में साइड में भरे, यहाँ पे कुछ नहीं, नई जिंदगी की शुरुआत की। देखो जो हो चुका है सो हो चुका है, वो जरूरी भी था होना, अगर वो नहीं होता तो बहुत कुछ ऐसा था जो नहीं हो पाता। आई हैड टू फेल इन फिजिक्स, आई हैड टू फेल इन मैथमेटिक्स, और क्योंकि वो फेल हुआ तो मैंने दूसरा रास्ता ढूंढा, नहीं तो मैं कभी भी जिंदगी में वो नहीं ढूंढ पाता। इतने सारे दर्द को मैंने भुलाया, रात का 7:30 बजे का वक्त था, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं मम्मी के पैर दबा रहा था, आई रोट इन पीस ऑफ पेपर, पता नहीं होगा कहीं, नो मोर फिजिक्स, साइन कर दिया फिजिक्स अब जिंदगी से। मैं आपको सच सच बताता हूँ, एकदम सच सच बताता हूँ, मतलब ये बुक छू के मैं बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई अडोर, या छू के मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही मैंने लिखा ना नो मोर फिजिक्स, मैंने डिसाइड किया कि फिजिक्स नहीं, मेरा डिप्रेशन उसी सेकंड चला गया। इतना हल्का लग रहा था मुझे, इतना हल्का लग रहा था, आई फेल्ट लाइक लेविटेटिंग, ना जिंदगी से टेंशन खत्म। मैंने सीखा कि बहुत सारी चीज हम लोग खुद अपने आप के लिए क्रिएट करते हैं, आफ्टर ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ्स एंड फॉर आवर डिसीजंस, बट वो छोड़ दिया मैंने। मुझे पता नहीं था कि मुझे पैसे कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, क्यों आएंगे, मुझे बस चाहिए था कि पैसे मुझे मिले, मैं 3-4 घंटे अपने कमरे में बंद रहूं, अपना काम करती रहूं इंटरनली। एक बार इंटरनली काम हो गया, बाहर से फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में अगर पौधा लिखा रहा हो तो आपको से बचाना पड़ेगा, एक बार वो पेड़ बन गया था तुम्हारा हाथी बांध दो, उसे कुछ नहीं होने वाला। बस मुझे हाथी बांधने लायक वो पेड़ बनाना था अंदर, उसके लिए टाइम चाहिए था। टाइम तो आपको कब मिलेगा जब आपको सोसाइटी परेशान नहीं करे, सोसाइटी आपको परेशान कब नहीं करेगी जब आपके पास थोड़े थोड़े पैसे आएंगे, लोग देखेंगे कमा रहा है, थोड़ा मोड़ा कमा रहा, ठीक है चलो अपना साइड में। बस तो लोगों के लिए मैंने ऐसा एज अ व्लॉगर एक आइडेंटिटी अपनी बनाई है कि ये ऐसा करता है, ये इसके पास बाइक है, सारी गैजेट्स हैं इसके पास वगैरह वगैरह, लेकिन अंदर मुझे कोई जानता नहीं है कि कैसे छुपा रुस्तम है, कोई एक आदमी नहीं मुझे जानता, वो रिवील में करता ही नहीं। दूसरों को आइडेंटिटी अलग दे दो कि वो आपके बारे में ऐसा ऐसा सोचे और अंदर अपना ऐसा काम करो कि किसी कुछ पता ही नहीं चले। तो बस मेरा वही मोडस ऑपरेंडी रहा है, पैसा कमाने आता ही नहीं था। 5 रुपए तो मुझे सबको गाली देते थे कि तुमसे कभी 5 रुपए भी कमाया नहीं जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखा, सेल्फ हेल्प की जितनी बेस्ट बुक्स होती थी मैंने लाके पढ़ी, जितनी भी 6-7 मैंने बुक्स पढ़ी बस बुक्स, और उसके बाद जो हुआ सो हुआ आफ्टर 4 ईयर्स। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 17 फरवरी को मेरा बर्थडे था, 4-5 दिन पहले, और आपको पता है कि बर्थडे में मैं हमेशा अपने आपको गिफ्ट करता हूँ। पिछले बार एयरपॉड्स प्रो मैंने किया था, उससे पहले एप्पल वॉच सब लोग हो गए थे, तो गिफ्ट ऐसे में करते रहता हूँ, हर साल गिफ्ट करता हूँ, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने आपको कुछ गिफ्ट नहीं किया है क्योंकि अब कुछ खरीदने को बचा नहीं, मतलब मैं क्या ही अब खरीदूंगा। मैं ढूंढ के थक गया 17th को, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरे देवघर में ऐसे ढूंढ के थक गया कि मुझे चाहिए, मुझे लगा कि नहीं यार मेरे पास सब कुछ है। मैंने सोचा कि यही जर्नी आपको साथ शेयर करनी चाहिए कि 2019 में कैसे मैंने स्टार्ट किया था जब मेरे पास कुछ नहीं था, कि मैं आपको समझा नहीं सकता कि कितना मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब नथिंग, नॉट अ थिंग। अगर आप जिंदगी में हार जाओ या आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो पा रहा है, बट डू लेट मी नो, अगर आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, आई गिव यू माई ईमेल एड्रेस, डू लेट मी नो, जो भी प्रॉब्लम है विल सॉर्ट इट आउट, सुसाइड इज नॉट द आंसर। मैं भी था, मैं बहुत कोशिश करता था, टैबलेट्स भी मैंने लिए, लेकिन मैं जानता था कि ये सॉल्यूशन नहीं है यार, ये सॉल्यूशन नहीं है, पर था, अल्टीमेटली डिप्रेशन में था, जिंदगी से हार के था ही था, स्पिरिचुअली भी हार के था। जैसा कि आप मेरा सेटअप देख रहे हो, तो ये जितना भी अच्छा सेटअप, ये मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए नहीं कि लोग मुझे देखेंगे लॉक करते या इससे, मुझे होल्ड करने में बहुत मजा आता है। आई होल्ड माई कैमरा लाइक दिस, इन द ऑफ द डे आई एम रियली हैप्पी एंड रियली सैटिस्फाइड, और सैटिस्फैक्शन इज ऑल दैट मैटर्स। आप लोगों का काम ही होता है सोसाइटी का सब लिमिनल डैमेज करना, वो होने मत देना, डू व्हाट यू लव। आई नो मैं हर चीज आपको व्लॉग में नहीं समझा पाऊंगा, उसके लिए पॉडकास्ट चाहिए एनीवेज, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि अब मेरे पास चीज़ें हैं, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चीज़ें अब कुछ खरीदने वाला हूँ, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है, मतलब कि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे मैंने जितना डिसीजन लिया था, जितना मैंने बुक्स पढ़ी थी, जितना कुछ स्ट्रगल किया था, आई थिंक एवरीथिंग पेड ऑफ, और थ्रू आउट द प्रोसेस बस मैंने पैसा वैसा इधर उधर चीज़ें नहीं खरीदी, बहुत इंटरनली मैंने काम किया घरों में बंद होके। तो इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, और 17th February में कुछ ना खरीदना वॉज इमोशनल, एंड थैंक यू गाइज फॉर बींग पार्ट ऑफ माई ब्लॉग्स, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट किया, जितना जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे जो बोलते हैं, आई टोटली लव इट, थैंक यू सो वेरी मच। आज व्लॉग मैंने नहीं कुछ किया है, जस्ट दिस स्टोरी और समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। बस कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू व्हाट आई हैव सेड, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी नेक्स्ट वीडियो, तो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, और हार मत मानना।